आज हम देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होता है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर के पहले आप सभी को पता होगा रेजिस्टेंस क्या होता है ओम्स लॉ में। रेजिस्टेंस होता है रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, मतलब R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। सिंपल वे में डिफाइन करें तो रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक रोड है, रोड के ऊपर एक स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर का काम क्या होता है? स्पीड ब्रेकर का काम होता है कि वो जो भी व्हीकल्स आती है उसकी स्पीड को कम करने का। स्पीड ब्रेकर की जैसे ही हमारे पास रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस सर्किट में पता करता है कि करंट क्या आ रहा है, वो करंट को अपोज करता है और करंट की वैल्यू को डिक्रीज करता है और कम करता है कि वो आगे जाके सर्किट में हार्मफुल ना हो। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर को हम डिफाइन कर सकते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। R यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। जो भी मटेरियल रहता है उसकी क्या रेजिस्टिविटी है वो हम डिफाइन करते हैं रो से। एल होता है लेंथ ऑफ अ वायर और यहाँ पे ए होता है क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया। आज के वीडियो के लिए इतना ही, ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।